हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए 10 ऐसी नई ट्रिक लेकर आई हूँ जो आप सभी के लिए डेली यूज़ में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली हैं। इन सभी ट्रिक को देखने के बाद आप ये कहेंगे कि हमें ये ट्रिक पहले क्यों नहीं पता थी। इनमें से कुछ आपके काम की भी हो सकती है जो आपके रोज के काम को आसान बनाएंगी। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। सर्दियों के मौसम में अक्सर जितने भी मेंबर घर में होते हैं उन सभी की जुराबें बिखरी हुई रहती हैं। इनको जब पहनना होता है तो ये मिलती भी नहीं है। अगर आप इस तरह से इनको रखेंगी तो ये आसानी से मिल भी जाएंगी और फैली भी नहीं रहेंगी। और तो घर में छोटे बच्चे होते हैं, उनके कपड़ों का तो खास ध्यान रखना होता है। कई बार जुराबें फैली होने की वजह से ये खो भी जाती हैं, तो इस ट्रिक की हेल्प से आप इनको समेट कर रख सकते हैं। इस तरह से एक जोड़ी जुराब लेकर ऊपर वाले हिस्से को दूसरी जुराब के ऊपर फोल्ड करके इसको इस तरह से समेट कर रखें, ना तो ये खोएंगी और आसानी से ये आपको मिल भी जाएंगी। इसी तरह से हम दूसरी वाली जुराब को भी फोल्ड कर लेंगे। इसी तरह से हम सभी जुराबों को एक के अंदर एक बांध कर फोल्ड करके इस तरह से समेट कर रखेंगे। इस तरह से सभी को समेटने के बाद आप इनको किसी छोटे से बैग में या थैले में भरकर एक जगह रख लें। जब भी आपको ज़रूरत पड़े इन सभी को आप एक एक करके आराम से निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये आराम से निकल भी जाएंगी और एक दूसरे से लगकर खोएंगी भी नहीं। सर्दियों में हमारी एड़ी काफ़ी ज़्यादा फटने लगती हैं, तो अब से आपकी एड़ियाँ नहीं फटेंगी। बस हमें करना क्या है, आपको बस ये दो चीज़ें लेनी है। एक मोमबत्ती लेंगे और 2 चम्मच के आसपास सरसों का तेल लेंगे। अगर आप इसको ज़्यादा भी बनाना चाहें तो आप इसमें मोमबत्ती और तेल की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। अब हम यहाँ एक कटोरी लेंगे, इसमें इस मोमबत्ती को छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से तोड़ लेंगे। सभी टुकड़ों को इस तरह से तोड़कर डाल लेंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच के आसपास तेल डाल लेंगे। अब हम इसको गैस पर रखकर मोमबत्ती को मेल्ट करेंगे। इसको ज़्यादा देर तक गर्म नहीं करना है, बस आधी मोमबत्ती मेल्ट होने तक हमें इसको गर्म करना है। बाकी ये मोमबत्ती अपने आप ही इसमें मेल्ट हो जाएगी। आधी मोमबत्ती पिघलने पर हम गैस को बंद कर देंगे और ये अपने आप ही पूरी मोमबत्ती इसमें मेल्ट हो जाएगी। अब हम इसे किसी सीख या डंडी से इसकी रुई की बत्ती को निकाल लेंगे और बस इसे हम अब हल्का सा ठंडा कर लेंगे। ये देखिए, ये ठंडा होने पर इस तरह से क्रीमी फॉर्म में आ जाता है। इस तरह से आप हल्का सा इसमें क्रीम की तरह से इसको उंगली पर लेकर अपनी एड़ियों पर लगाएं। 1 हफ्ते के अंदर ही आपको रिजल्ट दिखाई देने लगेगा। तो है ना ये एकदम कमाल की ट्रिक। इस तरह से आप एड़ियों की दरारे में इस तरह से इसको भरकर क्रीम की तरह लगा लें। कुछ ही दिनों में आपकी फटी एड़ियाँ वहाँ से गायब हो जाएंगी। सर्दियों में बच्चे हों या बड़े, ठंड लगने पर उनको लूज मोशन हो जाते हैं, तो आप उसको ये आधी चम्मच चाय की पत्ती दे दें। अगर किसी से खाली पत्ती नहीं खाई जाए तो थोड़ी सी चीनी मिलाकर उसको खिला दें। घर में पड़े चार्जर को समेटना बड़ा ही सिर दर्द के बराबर का काम है। अब जितने घर में फ़ोन होते हैं उतने ही चार्जर पाए जाते हैं। अब फ़ोनों के चक्कर में चार्जर का ख्याल भी नहीं रखा जाता, तो थोड़ा सा चार्जर का ध्यान रखने के लिए भी ये ट्रिक ज़रूर देखें। अब सभी के घरों में ये छोटी वाली रबड़ पड़ी रहती हैं, तो ये रबड़ ही हमारे चार्जर को समेटने का काम करेंगी। अब इनमें से हम एक रबड़ लेंगे और एक चार्जर उठाकर इस तरह से इसको लपेटते जाएंगे। अब लपेटने के बाद अब हम इसमें ये रबड़ से इसको बांध देंगे इस तरह से। ये देखिए एकदम सेट हो गई है। इसी तरह से हम दूसरी भी कर लेंगे। अब फटाफट से हम इन सभी चार्जर को लपेट कर इस तरह से इसको रबड़ से बांध कर रखेंगे और इसी तरह से हम ईयरफोन्स को भी कैरी करके रखेंगे। अब इन चार्जर की सेफ्टी के लिए एक खाली डब्बा लेंगे, इन सभी चार्जर को इसमें सेट करके लगा देंगे। सबको इस डब्बे में रख देंगे और इसको बंद करके डब्बे को एक सेफ जगह रख देंगे। जब भी चार्जर का इस्तेमाल करना हो तब इसमें से एक चार्जर आराम से निकालें और इस्तेमाल करें। इससे चार्जर इधर उधर बिखरे भी नहीं रहेंगे और चार्जर की सेफ्टी भी तो ज़रूरी है। अब आजकल तो मिक्सी सभी के घरों में होती है। मसाला हो या चटनी, पीसते पीसते इसकी धार भी कम हो जाती है, तो इसकी धार को बढ़ाने के लिए आधी कटोरी के आसपास नमक को हम मिक्सी में डालकर 1 से 2 मिनट तक चला लेंगे।
इससे हमारी मिक्सी की धार तेज हो जाएगी। ये वाली ट्रिक आप सभी के बहुत ही काम आने वाली है। क्या होता है कि जब हम कुकर में खाना बनाते हैं तब कुकर का प्रेशर अच्छे से नहीं बन पाता है, क्योंकि हमारी रबड़ ढीली हो चुकी होती है। अब रबड़ को टाइट करने के लिए हम एक थाली लेंगे, इसमें रबड़ को रखेंगे। अब हम इसमें एक गिलास पानी डाल देंगे। आप इसमें ठंडा या नॉर्मल कोई सा भी पानी ले सकते हैं, और जब भी आपको कुकर में खाना बनाना हो तो आप इसको ढक्कन में लगा लें। आप इसको 1 से 2 घंटे के लिए ही ऐसे ही पानी में रहने दें। कई बार ना सूजी में कीड़े पड़ने की वजह से सूजी को फेंकना पड़ जाता है। अब से सूजी को फेंकने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है, सूजी को एक कढ़ाई में डालकर हल्का सा भून लें। इससे इसकी नमी भी चली जाएगी और सूजी में भी कीड़े नहीं पड़ेंगे, और आपकी सूजी कई दिनों तक आराम से चल सकती है। नमक को रखने के लिए कई लोग स्टील के डब्बों का या स्टील के मसालदानी का इस्तेमाल करते हैं। स्टील के बर्तन में नमक रखने से क्या होता है कि नमक स्टील को इस तरह से ख़राब कर देता है। तो आप नमक को रखने के लिए प्लास्टिक के डब्बे या प्लास्टिक के मसालदानी का ही इस्तेमाल करें। इसी तरह से ही हम लाल मिर्च को भी ख़राब होने से बचा सकते हैं, और इसको भी कढ़ाई में इसकी नमी सोखने तक इसको हल्का सा भून लेंगे। इससे ये भी जल्दी से ख़राब नहीं होंगे। कई बार जल्दी जल्दी में हम चीनी का ढक्कन लगाना भूल जाते हैं और उसमें बहुत सारी चींटियाँ आ जाती हैं, तो हमें चीनी को चींटियों से बबचाने के लिए चीनी के डब्बे में 3 से 4 लौंग डाल दें। इससे चीनी में चींटियाँ नहीं पड़ेंगी। अगर इस वीडियो में कोई भी ट्रिक आपके काम की लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।